गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओके, रेडी फॉर द क्लास? यस मैम। आई थिंक वी वर ऑन ज्योग्राफी, राइट? यस मैम। फाइन। So where were we exactly? What we were doing? Which topic we were doing? Yes, Ajit, which topic? You were doing that. Your voice is not clear, beta. Can you see the screen, beta? Yes, ma'am. Can you tell Niharika which topic we left the class yesterday on? 74. Topic. Then we have to start aluminium smelting. Okay, fine. We have to start aluminium smelting. Fine. We all know that aluminium is obtained from the which is the ore for aluminium class? Which is the ore for the aluminium, beta? Aluminium kisse obtain karte hain, bache? Class. साइंस में आपने पढ़ा नहीं है? मैम, बॉक्साइट। यस यस, बॉक्साइट इज द ओर। बेटा जैनब, आप रिजॉइन कर लो, बाकी सबको आराम से आ रही है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग काव्या। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइन, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो हमें किस किस से ऑप्टेन होता है? वो हमें बॉक्साइट जो है, एल्यूमिनियम का ओर है, उससे हमें ऑप्टेन होता है, राइट? अब एल्यूमिनियम जो है, अगर आप देखो बेटा, कैन यू टेल मी द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम इफ यू हैव स्टडीड? आई थिंक क्लास 8 यू हैव रेड
In science also, you people have read about it. Anybody in the class? Yes, Ajit? Good morning, ma'am. Good morning, beta. Ma'am, it is used for wrapping the food. वो तो एल्युमिनियम फॉइल हो गया ठीक है और मैम इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट. हां वेरी गुड. एल्युमिनियम जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा, एरोप्लेन्स जो होती है हमारी, उसको एल्युमिनियम यूज करके ही बनाया जाता है. ठीक है वेरी गुड. और क्या है और किसमें यूज होता है एल्युमिनियम? मैम इट इज यूज्ड इन विंडो. इट इज यूज्ड इन विंडो फ्रेम्स. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को विंडो फ्रेम्स में यूज कहाँ करते हैं बेटा? क्यों एल्यूमिनियम को कहाँ यूज करते हैं बेटा विंडो फ्रेम्स में? निहारिका मैम वायर्स में यूज करते हैं. हाँ एल्यूमिनियम की वायर्स जो होती हैं बेटा, देखो एल्यूमिनियम जो होता है ये अपने आप में एक बहुत यूजफुल मेटल जो है होता है. अब इसका जो यू क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है, इसका जो वजन होता है बहुत हल्का होता है ये. ठीक है और इसके अंदर जंग नहीं आती है. इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें जंग नहीं खाता है ये. तीसरा जो है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है इसको. ठीक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि इसके अंदर से जो है लाइट पास वो जो आपका जो करंट है वो पास नहीं होता है. ठीक है तो सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये. ठीक है अब इसके फायदे क्या होते हैं कि एल्यूमिनियम की वायर्स बनाई जाती है. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है. इफ यू हैव रेड अबाउट इट राइट. इसकी ये मेलेबल होता है. मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का मतलब क्या होता है आपने साइंस में पढ़ाया हमें बताओ. यस मैम. मैम व्हिच कैन बी टर्न इनटू हीट हैमर्ड एंड टर्न इनटू हां व्हिच कैन बी टर्न इनटू हीट टेन शीट. हाँ एग्जैक्टली. मेलेबल का मतलब कैन बी हैमर्ड. हाँ इट कैन बी हैमर्ड और इट कैन बी यू नो इट कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स राइट. ठीक है इट कैन बी टर्न. हाँ इट कैन बी गिवन एनी शेप एनी रिक्वायर्ड और एनी डिजायर्ड शेप विदाउट ब्रेकिंग इट. मतलब बिना तोड़े इसको. एक तो होता है कि भाई किसी चीज को हम तोड़ के काम करते हैं पर इसको बिना तोड़े इसको मेल्ट करके और जो है जैसा भी आप जिस भी तरीके की शेप में आप इसको लेना चाहते हैं आप इजीली ले सकते हैं. इसीलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड जो है ये मेटल है हमारा. ठीक है दूसरा yes, जब हम जब जो एल्यूमिनियम. हाँ इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स. आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हैं. जो लोग जैसे जो बेकिंग वगैरह करते हैं अदर देन माइक्रोवेव्स उसमें जो है आपका जो बेकिंग डिश होती है वो भी एल्यूमिनियम की ही बनी होती है. ठीक है जिससे कि वो बिना जो जो केक का बैटर है बिना जले जो है इजिली इसमें से निकल जाए. ठीक है yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. चलिए फाइन. ठीक है तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं बेटा एल्यूमिनियम अपने आप में इट हैज गॉट वर्सटाइल यूजेस. ठीक है और अब क्या होता है जो लोग स्टील यूज नहीं कर पाते हैं या जो लोग कॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जो लोग जिंक या लेड इंडस्ट्रीज जो है इनमें जो है इसको एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है. ठीक है इसको मिक्स भी किया जाता है दूसरे मेटल्स के साथ ताकि इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए. राइट राइट क्लास. चलिए कह रहा है हमारी कंट्री में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो उड़ीसा में है, आपका वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में. दोज हु हैव द बुक्स दे नीड टू अंडरलाइन दीज राइट. यस मैम. देन वी ऑल नो दैट एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट. सो बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन द स्मेल्टर्स
एंड इट इज क्वाइट हैवी. बल्कि का मतलब बहुत हैवी होता है ये, ठीक है. इसकी अपने आप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है. एंड इट इज डार्क रेडिश कलर्ड रॉक, ठीक है. डार्क रेडिश कलर की होती है इसकी जो कलर होता है अपेयरेंस में. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा, अब ये जो बेटा आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स, दिस रेड बॉक्स, अब ये जो रेड बॉक्स है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ कई बार क्या होता है आपसे पूछा जाता है कि कितना टन का बॉक्साइट जो है आपको 2 tons ऑफ एल्यूमिनिया देता है, ठीक है. तो ये जो 3 आपको डिविजन दिए हुए हैं, ये 3 जो है आधे, ये 3 में से कोई एक इसको गायब करके दे में गिव यू एज ब्लैंक, ठीक है. ये वन ऑफ दी बोर्ड्स में आया था इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू सर्कल इट, राइट. यस राइट, ओके. अब हम आ जाते हैं अच्छा, अब कह रहा है कि जो जितनी भी आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, ये क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसके ग्रोथ में. तो वो कहता है एक तो जहां पे भी इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रॉ मटेरियल मतलब क्या हुआ, बॉक्साइट ओर्स जहां पे भी पाए जाते हैं हमारे कंट्रीज में, उन उन जगहों पे जो है आपका ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं. एक तो इसको चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप देखो जिन भी स्टेट्स का नाम ऊपर दिया गया है, ये वो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के जहाँ पे पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली हायर है, ठीक है. ठीक है क्लास, गॉट इट. तो क्योंकि पॉपुलेशन का परसेंटेज यहाँ ज्यादा है तो इसलिए इजीली चीप लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है. फिर इसका जो है विद इन आर कंट्री इटसेल्फ इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक बहुत ही लार्ज मार्केट हमारे कंट्री में ही है, ठीक है. अगर आप देखो एल्यूमिनियम के मल्टीपल यूजेस हैं जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है. उसके बाद एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड का ट्रांसपोर्टेशन हो. और फिर ये जो आपके जितनी भी मिनरल इंडस्ट्रीज हैं या जो भी इस तरीके के प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें आपको रेगुलर पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो स्टेट्स या वो प्लेसेस जहाँ पे रेगुलर पावर सप्लाई है उन जगहों पे ये प्लांट्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे कि इनके प्रोडक्शन में, इनके जो इनसे जो भी चीजें बनती हैं उसके प्रोडक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करी जाए. आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. Okay. चलिए अब आप आ जाइए. केमिकल इंडस्ट्री पे, ठीक है. ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये अगर हम देखते हैं केमिकल्स, अगर हम कहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, केमिकल्स का मतलब आपको क्या समझ में आता है बेटा? क्लास, समथिंग व्हिच इज एसिडिक इन नेचर. ओके, समथिंग व्हिच इज एसिडिक इन नेचर, ओके. कैन कॉज वन, हाँ. अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल, हाँ देखो आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं. Yes, ma'am. Okay. तो ये जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में जो है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है. इट इज गिवन हियर द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में जो है वो केवल लार्ज स्केल है, कुछ इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल है, पर ये जो केमिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं बेटा तो इट हैज बोथ, लाइक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं इसकी और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं हमारे कंट्री में इसकी. जैसे अगर हम टाटा आयरन और स्टील की बात करते हैं तो जब भी हम आयरन और स्टील की बात करते हैं तो हम हमेशा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है. आयरन एंड स्टील के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें हमेशा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, राइट.
Okay. Yes, ठीक है ना. Then what is the silent part of this? चलिए, can we have Niharika reading this? Chemical first aluminium smelting and then chemical industries. चलिए निहारिका. यस मैम. केमिकल इंडस्ट्री एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पढ़ेंगे बेटा. बेटा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से पढ़ेंगे. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. इट इज लाइट रेजिस्टेंस टू ऑफ हीट मेलेबल एंड बिकम्स स्ट्रांग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट utensils and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. In 2014-15, India produced million tons of aluminium. Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark, reddish-colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material and minimum cost are the two prime factors for location of the industry. Chemical industries. The chemical industry in India is fast growing and contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesive stocks, nitric acid. बेटा it is adhesives. Adhesives क्या होते हैं जानते हैं बेटा? What adhesives? आपने कहीं पढ़ा है ये? जब आप फेविकॉल का डब्बा कभी आपने खरीदा होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा adhesive. ध्यान है? मैम कभी गौर नहीं करा. हाँ कोई बात नहीं. अब जब अगली बार कभी आप फेविकॉल के बॉक्स को डब्बे को देखेंगे या ग्लू के डब्बे को देखेंगे या ग्लू के ट्यूब को देखेंगे उस पे लिखा होता है एडहेसिव. ठीक है. एडहेसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज यूज्ड फॉर पेस्टिंग स्टिकिंग. राइट राइट. चलिए हाँ कैरी ऑन निहारिका. Nitric acid, alkalines, soda ash used to make glass, soaps and detergents, paper and caustic soda. These industries are widely spread over the country. Why do you think? Wait. अब आप देखो ये जितने भी चीजों के नाम इन्होंने लिए हैं हमें लगता है हमारी डे टू डे लाइफ में हम दिन भर में कभी ना कभी तो इनका इस्तेमाल करते ही हैं. करते हैं ना. Yes, ma'am. इसीलिए ये इंडस्ट्रीज जो है इतनी ज्यादा जो है इनकी ग्रोथ है इतना ज्यादा जो है लार्ज स्केल पे इनके काम होता है इसीलिए जो है ये ज्यादा डिमांड में भी है. प्लस इनका सबसे बड़ी बात इनका जो यूजेज है वो बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. राइट राइट क्लास. यस मैम. कैरी ऑन. कैन वी हैव काव्यांश रीडिंग नाउ. Yes, ma'am. Why do you think it is so? Organic chemicals include pet
electrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemical plants. The chemical industry is its own largest consumer. Basic chemical undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications, agriculture, or directly for consumer markets. Make a list of the products you are aware of. Fertilizer industry. Wait. ये petrochemicals क्या होते हैं आपको पता है? What is meant by petrochemicals? Anybody in the class? Please repeat. My question is, do you know what is this? What are these petrochemical plants? It is written, no? That organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemicals. So what are these petrochemicals plants? Natural resource. Huh? Petrochemical. Byproducts petrol se obtain karte hain hum. उनको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. जो केमिकल्स हम पेट्रोल से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, ठीक है. चलिए, ये तो मुझे लगा आप लोगों ने साइंस से पढ़ा होगा, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. चलिए, ये आपको क्लियर हुआ, केमिकल इंडस्ट्री क्लियर हुआ बेटा? एनीथिंग इन दिस व्हिच इज नॉट अंडरस्टूड? ऑल क्लियर एंड अंडरस्टूड? नो. यस मैम. चलिए, अब हम आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे. आप जानते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किस चीज की होती है? ये फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं? मैम, इट इज यूज्ड इन फील्ड. एग्रीकल्चरल. यस मैम, एग्रीकल्चर. आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं. कैन यू टेल व्हाई? हमारे कंट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. हमारी कंट्री जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है. वेट भूमिका. आर कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग दी फर्टिलाइजर्स. तो आप ये बताओ, जैसे भूमिका ने बोला कि क्योंकि हमारी कंट्री जो है क्या है? मैम, रूरल एरिया ज्यादा है जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स भी ज्यादा है. या इसको हम इस तरीके से पुट अप कर सकते हैं दैट आर कंट्री इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, हमारे कंट्री जो है वो क्योंकि हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंग्रॉस्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा बनते हैं. ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज होती है वो आपका होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश. ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, ठीक है बेटा. Yes, ma'am. तो इसीलिए जो है हमारे कंट्री में जो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज होते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, राइट क्लास? अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर मेरे ख्याल से हमारे कंट्री में जिस स्टेट में इसकी यूनिट्स है वो है आपकी गुजरात. ठीक है. यस मैम. चलिए, कैन वी हैव
नवजोत आर यू देयर बेटा? यस मैम। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ो। Fertilizer industry. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea phosphate fertilizer and ammonia phosphate DAP and complex fertilizer which have a phosphate and potash. The third potash is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Kerala contribute toward half of other production. Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Uttar Pradesh, and Karnataka. ठीक है बेटा, इसमें कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझानी हो हमें? आई थिंक इट इज ऑल क्लियर एंड अंडरस्टूड। अगर हम फर्टिलाइजर इन अ नटशेल, अगर हम इंडिया, अगर हम इसकी फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में देखो, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो हमारे कंट्री में टोटल 57 जो है यूनिट्स हैं जो कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। राइट राइट 29 यूनिट्स जो हैं वो आपका यूरिया प्रोड्यूस कर रही हैं, 68 यूनिट्स जो हैं वो आपका सुपर फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ठीक है। यूरिया नाइट्रोजीनियस फिर 9 यूनिट्स जो हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एमोनियम सल्फेट ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। फिर अगर हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो पब्लिक सेक्टर आपको पता है ना क्या होता है क्लास? यस मैम। हाँ, क्या होता है पब्लिक सेक्टर? जो आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, जो सरकार के अधीन होती है ठीक है। तो हमारे कंट्री में 10 यूनिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं। और ठीक है, और केवल एक यूनिट जो है वो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर है जो कि आपकी गुजरात में है ठीक है। राइट अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, उसके बाद आपका यूपी आता है, फिर पंजाब आता है, ठीक है राइट बेटा? यस सर। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू द सीमेंट इंडस्ट्री, अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है आपको पता है ना? सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है मैम? ग्रेवल, लाइमस्टोन। सॉरी, लाइम पढ़ा तो था भाई।
यस मैम, सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो आपका लाइमस्टोन होता है, ठीक है। ये लाइम जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है वो आपकी मेजर इंडस्ट्री है, विच इज बेस्ड ऑन दी विच इज यूज फॉर दी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, ठीक है, राइट। यस मैम। चलिए ठीक है, अब ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है आप ये देखो कि ये भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। उसका कारण ये है कि जो सीमेंट है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में काम में आता है, जिस तरह हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है फॉर दी हाउसेज इन अदर यू नो इंस्टीट्यूशंस, तो इसकी तो डिमांड सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है या सीमेंट की जो डिमांड है वो हमेशा हाई ही रहती है, ठीक है। ठीक है बेटा, Let us come to the cement reading part. हाँ जी बोलो बेटा। Okay, can we have Ishika reading? Ishika Verma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, cement industry. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, dams, and for other commercial establishment. This industry requires bulky and heavy raw material like limestone. पढ़ो बेटा। लाइमस्टोन, सिलिका एंड गिप्सन कोल, अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सस्टेनेबल एक्सेस टू द मार्केट टू द गल्फ कंट्रीज। The first cement plant was set up in China in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, and South Asia. Apart from a large demand within the country, this industry is doing well in terms as well as export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. ठीक है, बस अब हम आएंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। इससे पहले कि आप लोग पढ़ो, I would like to tell you few things. अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं बेटा, पिछले कुछ लेस देन 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में एक बहुत ही जबरदस्त छलांग जो है इस इंडस्ट्री ने लगाई है। छलांग क्वांटम जंप का मतलब होता है कि एक बहुत ही मतलब एक छोटे उससे जो है बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसका इसमें जो है प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो बसेस हो, कार्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, चाहे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हो, हमारे कंट्री में इन सब का प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा डिमांडेड है, प्लस बढ़ भी गया है। ठीक है, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हमारे 15 यूनिट्स हैं वो आपका जो है पैसेंजर कार्स बनाते हैं। 15 यूनिट्स पैसेंजर कार्स बनाते हैं, ठीक है। और आपका मल्टी ये मल्टी यूटिलिटी कार्स या व्हीकल्स क्या होती होंगी आपकी समझ से?
बताओ एनीबडी इन द क्लास हु वुड लाइक टू टेल ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स क्या होते हैं क्लास आपने वैनिटी वैन का नाम सुना है यस यस वैनिटी वैन्स कौन यूज करता है यस कौन यूज करता है ये वैनिटी वैन्स जो होती है बेटा मैम सेलिब्रिटीज ठीक है सेलिब्रिटीज यूज करते हैं क्योंकि वैनिटी वैन्स हमने उन्हीं से सुना है ठीक है बट आपको पता है ये जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं ये केवल वैनिटी वैन्स तक ही कन्फाइंड नहीं रहते हैं इनमें बेटा एम आई नॉट ऑडिबल टू यू पीपल क्लास एम आई नॉट ऑडिबल मैम यू आर ऑडिबल हाँ गौरव आवाज आ रही है बेटा आपको क्यों नहीं आ रही बच्चे चलिए ये जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं आपने देखा है आपने आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मॉल्स के बाहर कुछ ट्रक्स खड़े रहते हैं उनमें एसीज फिट होते हैं आपने ध्यान दिया है कभी इस चीज पे यस मैम ये जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं ये एक्चुअली मल्टी यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक ट्रक है तो ट्रक का काम केवल सामान को इधर से उधर ढोके लेके जाना ही नहीं है बट उसमें आप अलग तरीके की चीजों को भी जैसे जो जिन 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 जो आर्टिकल्स पेरिशेबल होते हैं उनके लिए जिनके लिए फ्रीजर्स वगैरह की जरूरत होती है तो इन व्हीकल्स में क्या करते हैं या इन ट्रक्स में क्या करते हैं ये लोग एसीज जो है इंस्टॉल कर देते हैं या जो है आपका फ्रीजर बना रखवा देते हैं जिससे कि जो है ये जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनको इजीली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके बिना खराब हुए ठीक है कुछ 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 आइटेबल्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनकी की लाइफ जो है बहुत कम होती है अगर उनको बाहर छोड़ दिया जाए तो वो शायद खराब ही हो जाए ठीक है राइट क्लास चलिए इतना क्लियर हुआ अब दूसरा वो ये कहता है हाँ दूसरा वो ये कहता है कि हमारे कंट्री में जो 9 यूनिट्स हैं वो केवल और केवल कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है ठीक है तो 15 यूनिट्स करती है आपकी पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और 9 यूनिट्स जो है वो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा जो 14 यूनिट्स हैं वो केवल और केवल आपका टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है यस मैम अब आप हमें बताओ क्या आप अपने समझदारी से हमें ये बता सकते हो कि हमारे कंट्री में किन किन जगहों पे जो है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होंगी एक मोटा मोटा सा कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा आपको क्लास मैम जहाँ मतलब ऐसी जगह पे होगी जहाँ अवेलेबिलिटी सब चीजों की होगी देखो अगर आप लोग दिल्ली वगैरह गए होगे आपने देखा होगा दिल्ली में जो है हमारे जो है यूनिट्स हैं जहाँ पे ये यूनिट्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है गुड़गांव गुरुग्राम चेन्नई ठीक है चेन्नई कोलकाता ठीक है यस मैम उसके बाद आपका पुणे इंदौर ठीक है बेंगलुरु हैदराबाद हाँ हैदराबाद